इस दिशा में पिछले एक साल में काफी हद तक हमें सफलता मिली है उसे और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास इस बजट में प्रस्तुत किया गया है साफ सफाई एवं यात्री सुविधा या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पिछले दो रेल बजटों का मूल मंत्र रहा है साथ ही साथ रेलवे प्रोजेक्ट को मात्र कंप्लीशन से नहीं बल्कि कमीशनिंग इससे परिभाषित किया मैं समझता हूं कि ये नीतिगत बदलाव देश की अर्थव्यवस्था में एक पैराडाइम शिफ्ट है गरीबों के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की विशेष व्यवस्था करते हुए अंत्योदय एक्सप्रेस एवं दीन दयालु रेल डब्बों की शुरुआत हमारी सरकार की गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट करती है रेलवे में आईटी सहित नई टेक्नोलॉजी अधिक पूंजी निवेश एवं अमलीकरण को असरदार बनाते हुए यह रेल बजट देश की अर्थव्यवस्था में दुर्गामी सकारात्मक योगदान करेगा देश के पिछड़े क्षेत्रों में खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने का सरकार का वादा पूरा करने की दिशा में उत्तम कदम उठाए गए हैं साथ ही साथ हमारे रेल मार्गों की ऐतिहासिक समस्या जो कि क्षमता हीनता के कारण थी उसे पिछले एक साल में काफी हद तक दूर किया गया है और इस दिशा में यह रेल बजट और भी पुख्ता इंतजाम करता है श्रीमान सुरेश प्रभु जी के पहले बजट जो आए वो हमने देखे हैं मैं उनकी आलोचना करना नहीं चाहता हूं लेकिन अगर मैं गत सरकार के पांच वर्ष के बजट को देखूं, तो सुरेश प्रभु जी के बजट में ढाई गुना निवेश के साथ एक बहुत बड़ा जंप लगाया गया है यह बजट देश के नवनिर्माण में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे रेलवे के विकास में राज्य सरकारें भी उत्साह से भाग लेने जा रही हैं उसका विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया गया है साथ ही यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों का सहयोग लेने का प्रयास भी किया गया है खर्च में अनुशासन प्रबंधन में दक्षता एवं उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही हमारी सरकार का फोकस है जिसे यह रेल बजट पूर्ण रूप से दर्शाता है मैं फिर एक बार रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं रेलवे परिवार को बधाई देता हूं टीम रेलवे को बधाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद